बठिंडा सिटी ऑफ लेक्स। टीडीएलवी और जब्बी मेट जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्मों की वजह से रोशनी में आने वाले इस शहर की अपनी एक अलग ही आकर्षकता है, लेकिन आज की ये कहानी बठिंडा के एक ऐसे क्षेत्र की है जो देश को आजादी मिलने के 65 साल तक बुनियादी सहूलतों के लिए तरसता रहा। उड़िया क्रोनी के नाम से जाने जाने वाले इस क्षेत्र में लगभग 200 परिवार रहते हैं, लेकिन ना तो यहाँ रोशनी के लिए बिजली थी और ना ही शहर तक जाने के लिए सड़क। कोई बिजली का प्रबंध नहीं था, ना खम्भा था, ना बिजली था, कुछ नहीं था, ना मीटर था। अभी सांप आ जाता था, घर में भी घुस जाते थे, डरते थे हम लोग। पहले हमारा पास ना राशन कार्ड था, ना नीला कार्ड था, ना राशन का सुविधा था। लेकिन 2012 के बाद इनकी स्थिति में बहुत सुधार आया है। लेकिन 2012 में एक ऐसा चेहरा MLA के रूप में उभरा जिसने किसी से किसी भी तरीके का भेदभाव ना करके सब तरफ विकास के कामों को शुरू करवाया, और स्वरूप सिंगला के MLA बनते ही इस एरिया में भी विकास का काम शुरू हो गया। जो इस तो पहले मैं समाज सेवा नाल जुड़िया हुंदा सी, एक उड़िया कलोनी जो थर्मल दे कोले लाइन तो पार वस रही सी, उन्होंने लोगों को ना बिजली सी, ना पानी सी, ना ही सीवर सी, ते ना ही उन्होंने आपदियां घरां दे विच जाण दा कोई रस्ता सी। वो लाइना क्रॉस करके जाते सी, कई बार तो इस तरह के हादसे हुए कि लोगों को जान गवानी पड़ी। जब हमें शहर जाना होता था तो रेलवे लाइन से ही हम तब के जाते थे। कभी कभी जो गाड़ी आ जाती थी हमें बड़ी दिक्कत होती थी और बड़ी डर लगता था। सो मेरा सपना सी कि मैं इस एरिया का विकास करा। सब तो पहली जरूरत होंगी है कि इस एरिए का विकास होना होंगे हो तो बिजली की जरूरत होंगी है। सब तो पहला मैं उन्होंने वास्ते बिजली का इंतजाम किया, उस तो बाद मैं उन्होंने लोगों वास्ते राशन कार्ड का इंतजाम किया, उस तो बाद मैं जो वास्ते आधार कार्ड से वोटर कार्ड वो भी उन्होंने बनाने का किया। बिजली के आपके सारे घरों में मीटर लग चुके हैं, लगे हैं, सबके बिजली मिल गई है, सभी की मिल गई, राशन कार्ड सभी को मिल गए हैं, बन गए, नीले कार्ड बन चुके हैं, और मेरे को कुछ पता चला है कुछ लोगों के भी रहते हैं पेंडिंग, वो भी 15-20 आदमी के रहते हैं, ज्यादा नहीं, वो सभी करवा देंगे। और आपकी जो आधार कार्ड है वो भी बन चुके हैं? हाँ जी, हाँ जी, कुछ और किसी चीज की जो भी मेरे पास आए आपको कभी कमी तो नहीं रही? एक महत्वपूर्ण काम जिहड़ा कि लोग लाइना तो जोखम दे नाल लंघ रहे सी, हमेशा ही डर रहिंदा सी, उन वास्ते पुल निर्माण का काम शुरू होया। बड़ी देर तो थोड़ी पुल की समस्या सी, तुसी लाइना ते चल के आंदे सी, हुण पुल बनना शुरू हो गया, देखे आपने? हां जी, बन रहा है ना? वो पुल बन जाएगा 2-3 महीने में, और उसके बाद आपने, आपके बच्चों ने, किसी ने भी लाइने क्रॉस नहीं करनी है। अभी आपको जो पुल मिल गया, पुल पे आप जाए, आए साइकिल पे जाए, मोटरसाइकिल पे जाए, सभी MC साहब होर इस एरिया दी काम कर तो सिंगला साहब असी बेनती की थी इस इलाके के लोगों ने, या नहर दी सफाई दा काम से बड़ा गंद है, तो असी ये बेनती साड़ी प्रवान करो। ये बहुत बड़ा गंद दा घर बनया हुआ है, बहुत ही बड़ी समस्या है। हुण तुसी जाके देखो, अज असी सारा टोटल सारे NGO सारे बठिंडे दे अकाली दल दे MC काउंसलर ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਾ ਕੇ ਔਰ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ, ਔਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਸਾਰਾ ਸਜ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਏਰੀਏ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਲੀਡਰ ਰਹੇ ਆ ਪਾਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, MLA ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਉਸ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ MLA ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪਾਵਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ MLA ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਸੁਣਨਾ, ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੂਰੇ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂਗਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਧਿਆ। ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮੇਰਾ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਲੱਗੇ, ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ। 5-7 ਵਾਰੀ ਉਹ 5-7 ਵਾਰ ਮੈਂ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਪਣਾ ਕੇ ਅਪਰੋਚ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਗਮੀ ਕੋਈ ਵਿਆਹ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹ ਬਣਾਉਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ। ਸਰੂਪ ਚੰਦ ਸਿੰਗਲਾ ਜੀ हमेशा हमारी समस्या को सुनते हैं और हम लोग भी उनके घर जाके अपनी समस्या सुनाते हैं। हमें पहली बार ऐसा लग रहा है कि हमने सही आदमी को MLA चुना है। मैं सारे बठिंडा निवासियों का तहे दिल तो धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने मैं हमेशा ही बहुत प्यार ते सत्कार दिता। असी हमेशा ही बठिंडा निवासियों के प्यार नाल बझे हुए, उन्होंने दित्ती सेवा नूं तनों मन निभाउण दी कोशिश करदे रहांगे।